बाबा जी हमारे 120 साल के हैं और बाबा जी अभी भी बहुत अच्छे से चलते फिरते हैं। माँ नर्मदा जी के भक्त हैं और हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। बाबा जी सिद्ध पुरुष हैं। आज हमें दर्शन हो रहे हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें बाबा जी के दर्शन हो रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे संत के दर्शन करा रहे हैं जो बहुत ही सहज और सरल हृदय संत हैं, गुप्त संत हैं। ऐसे संतों के दर्शन बहुत ही दुर्लभ होते हैं, लेकिन आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर ऐसे संत के दर्शन हुए। हम सौभाग्यशाली हैं। नर्मदे हर। ये माँ नर्मदा जी के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ से बाबा जी यहीं पर स्नान करते हैं। नर्मदे हर। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के तट पर हैं और माँ नर्मदा जी के तट पर हमारी यही आशा रहती है कि माँ नर्मदा जी के दर्शन के साथ साथ हमें सिद्ध संतों, त्यागी, तपस्वियों और महात्माओं के भी दर्शन हो जाएं। और माँ नर्मदा जी ये आशा हमारी परिपूर्ण करती हैं और हमें सिद्ध संतों, त्यागी, तपस्वियों के भी दर्शन हो जाते हैं। आज हम ये लुजगांव घाट पर हैं। लुजगांव घाट पर बाबा जी माँ नर्मदा जी के तट पर विराजमान हैं। माँ नर्मदा जी के और हनुमान जी के भक्त हैं, लगभग 120 साल के हैं बाबा जी। आज हम उन्हीं के दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। नर्मदे हर। हम बाबा जी के दर्शन करने जा रहे हैं। बाबा जी यहाँ पे जो विराजमान हैं उनके हम दर्शन करेंगे और उनसे हम मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके विचार जानेंगे। बाबा जी 120 साल के हैं। 120 साल की उम्र में भी बाबा जी खूब चलते फिरते हैं और अपना काम स्वयं करते हैं, भोजन प्रसादी बनाते हैं और स्नान करने माँ नर्मदा जी में आते हैं सुबह शाम दोनों टाइम। इतना दुर्गम स्थान है ये, इसके बाद भी बाबा जी 120 साल की उम्र में यहाँ से आते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं माँ नर्मदा जी में आके दर्शन करने के लिए। यहीं से ये माँ नर्मदा जी के दर्शन हो रहे हैं। अब हम बाबा जी के पास चल रहे हैं। बाबा जी ये हनुमान जी के मंदिर में विराजमान हैं। छोटी सी कुटी है बाबा जी की। यहाँ पर बाबा जी भोजन प्रसादी बनाते हैं। सारी भगवान के भक्त तो सभी अच्छे, तुम ग्रस्त, अरे ग्रस्त कोई कमजोर है, अरे ग्रस्त की आगे भी बहुत बड़ा मार्ग है यार। और संत भी ग्रस्त बने हैं, कोई थोड़ी कि उनको भगवान ने ऊपर से फेंक दिया। और संतों के दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य के जो है पाप ठहर जाते हैं और पाप नष्ट होने लगते हैं। संतों की महिमा वेद न जाने, संतों की महिमा तो वेद भी नहीं जानते हैं। संतों के आगे तो भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, सभी संतों के चरणों में नतमस्तक हुए हैं और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें संतों के दर्शन वो भी माँ नर्मदा जी के तट पर हो रहे हैं। आज हम बाबा जी के आश्रम में आए। बाबा जी की छोटी स्कूटी है। बाबा जी हनुमान जी के मंदिर है, यहीं पर बाबा जी विराजमान हैं। और बाबा जी हनुमान जी के परम भक्त हैं, माँ नर्मदा जी के भक्त हैं। और बाबा जी ने आज हमें, आज उपास है तो बाबा जी ने जड़ी बूटी का बाबा जी ने प्रसाद दिया है कि भाई ये प्रसाद पाओ। बाबा जी उनके शिष्य हैं हम लोग। जी बाबा। हाँ। तो बाबा जी आप बचपन से ही संत बन गए थे? नहीं भाई, गृहस्थ जो संत बनता है वो सबसे बड़ा संत बनता है। भाई तुमने देखो दुनिया का काम किया, बोलो जी, बच्चों का पालन किया, अन्न कमाया, है गौ की सेवा करी, संतों की सेवा करी, और उस समय आप त्याग करोगे तो बहुत बड़े संत हैं आप। जी जी। आपके पीछे नंगे पैर भगवान भागेंगे, क्योंकि 100 कटोरा को त्यागना कोई मामूली खेल नहीं है। हाँ, ग्रस्त आश्रम। आज तो दौलत के पीछे भाग रहे लोग, भाग रहे नहीं भाग रहे जी, लेकिन भगवान का नाम से बढ़ के दौलत है क्या? ये शरीर तो ऐसा दिया है प्रभु अपने लिए, क्या है कि देखो ये तो परमात करने का है, तुमको दिया है तो भैया कम से कम पुण्य भी कर लो। कोई भगवान का काम में मैया के तट पे कुछ लगाओगे तो वही साथ में लेके जाओगे, क्या लेके जाओगे?
जी जी ये तो ऐसा है प्रभु, खाए लिया तो अपना है, भज लिया तो अपना है, नहीं तो बाकी सपना है, घर में रखा वो भी नहीं, एक सेकंड का पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला और कौन सा अपन ने ऐसा ऐसा। भाई जी उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान तो सबके लिए एक है, चोर भी उसकी सहायता, चोर की भी कहेगा तो उसकी भी सुनेगा, भैया तेरे को ये रास्ता जाना है जा सकते हो, धर्म की रास्ते के ऊपर जाएगा धर्म की रास्ते के ऊपर जाएगा, लेकिन धर्म के ऊपर देर होगा लेकिन अंधेर नहीं होगा, भगवान कभी गिरने नहीं देगा उसे। जी जी हाँ, चाहे एक मुट्ठी धूल है वो करोड़ों रुपए का दान है। तो बाबा जी आप संत कैसे बन गए थे? आप भैया जैसे वो मां नर्मदा की कृपा है, अब जैसी कोई वो उसकी इच्छा है। माँ नर्मदा जी के प्रति आप में कैसे भक्ति जागी? आप जागी उसने जब बताई है, जब उसके मतलब जब उसने मार्ग दिया तब हमने यात्रा चालू करी, तो फिर जब से हमने बिल्कुल कितना ही तथास बंद कर दिया, हमने कहा कि भैया एक हाथ दोनों हाथ लड्डू खाने की कोई जरूरत नहीं। नहीं जैसे बाबा जी अब हम गृहस्थ हैं तो हम कैसे भक्ति करें? अरे तो भक्ति के लिए भगवान ने, वो तो आत्मा के अंदर सब कुछ लो है, तो वो तो सभी वही है प्रवेश, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा माना गया है भाई, गृहस्थ आश्रम नहीं हो तो ये सही है, पूरा संसार कैसा चलेगा? भगवान राम भी उस विशेष उसमें है, सारी देवता ही तो उसमें है, गृहस्थी में कौन सा बगैर गृहस्थी में बता रहे, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम, बड़ा आश्रम। अच्छा गृहस्थ में रह के भी हम भगवान की भक्ति कर सकते? बस भूल तो खास चीज है भाई, उसमें ही भगवान की भक्ति है ना, गृहस्थ आश्रम में जैसे मान लो भगवान की भक्ति नहीं होगी तो कैसा सभी कैसा संचालन चलेगा? सबसे बड़ी भक्ति मानी गई है गृहस्थी आश्रम जी जी हाँ, माँ नर्मदा जी की भक्ति में, और यहीं से ये माँ नर्मदा जी के दर्शन होते हैं। बाबा जी आप इतने सालों से माँ नर्मदा जी के तट पर भ्रमण कर रहे हैं, माँ नर्मदा जी के दर्शन कर रहे हैं, तो बाबा जी आपको कैसा लगा? माँ की तो फिर महिमा ही अलग है, आनंद आ रहा है बस, वो सब अपन को आनंद आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके गोद में खेल रहे हैं मस्त जी के, हमारे बाबा जी के भक्तगण ये बता रहे हैं कि बाबा जी कभी किसी के घर मांगने नहीं जाते हैं, और बाबा जी के पास स्वयं माँ नर्मदा जी आती हैं और खाने को देती हैं बाबा जी को, लेकिन बाबा जी का ये धुना है 25 साल से चेतन अवस्था में है, और बाबा जी ने अभी नीचे जो अग्नि है उसको राख से ढांक देते हैं ताकि वो ठंडी नहीं हो, और ये चेतन धुना है बहुत ही सिद्ध माना जाता है, संतों के धुने जो रहते हैं हमेशा चेतन अवस्था में रहते हैं। हाँ वो तो बाना है, वो तो भोलेनाथ का चरसुल वो तो ऐसा है, बाना कहलाता है। हाँ वो तो उनका ही बाना कहलाता है भोलेनाथ जी का। बाबा जी चाय बना रहे हैं, आज हम बाबा जी के आश्रम में हैं, बाबा जी की छोटी सी कुटी है, बाबा जी बोल रहे हैं कि भाई आपको चाय पी के ही जाना पड़ेगी, तो बाबा जी चाय बना रहे हैं और बाबा जी माने नहीं, आज हमें चाय पीना है, और बाबा जी की हाथ की चाय पी रहे हैं हम, परम सौभाग्यशाली हैं कि संतों के हाथ का है हम भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं, और ये बाबा जी चाय बना रहे हैं। बाबा जी नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। बाबा जी चाय बन रही बाबा जी की, बाबा जी की छोटी सी कुटी है, और बाबा जी बड़े श्रद्धा प्रेम भाव से जो भी माँ नर्मदा जी के भक्त आते हैं, जो भी भक्तगण आते हैं, उनको चाय और भोजन प्रसादी कराते हैं। बाबा जी से हम पूछते हैं बाबा जी ये सब कैसे व्यवस्था होती है, तो बाबा जी कहते हैं सब माँ नर्मदा जी की कृपा है। बाबा जी बहुत ही सिद्ध संत हैं, हनुमान जी के भक्त हैं और माँ नर्मदा जी के भक्त हैं, हम परम सौभाग्यशाली हैं, आज हमारा उपवास है एकादशी का, तो बाबा जी ने भोजन प्रसादी बाबा जी ने बना ली थी, और बाबा जी 120 साल की उम्र में बाबा जी स्वयं काम करते हैं, बाबा जी के पास कोई शिष्य कोई चेला नहीं है, कोई सेवक नहीं है, बाबा जी स्वयं चाय बनाते हैं और स्वयं भोजन प्रसादी करते बनाते हैं और भोजन प्रसादी कराते हैं,
जो भी भक्तगण आ जाते हैं उनको। ऐसे संत हमें माँ नर्मदा जी के तट पर ही देखने को मिलते हैं। भगवान हो गया तैयार, बाबा जी बोल रहे हैं भाई तैयार हो गई है चाय, अब आप चाय ले लें। हाँ, चाय के हरियर कर लो भाई, प्रसाद है ये, बाबा जी बोल रहे हैं भाई चाय नहीं ये प्रसाद है। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें बाबा जी के हाथ की, संतों के हाथ की हमें चाय ग्रहण करने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और माँ नर्मदा जी के तट पर ही ये सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। बड़े आश्रम में हम जाते हैं तो बड़ा तामझाम रहता है, लेकिन छोटी कुटी में जब भी हम जाते हैं संतों के आश्रमों में तो बड़ा प्रेम मिलता है, प्रेम देखने लायक होता है, ये प्रेम संतों का प्रेम मिलता है। तो इसको जैसे अपन ने बारीक कर लिया और गैया का दूध में देना, भैंस का दूध में मत देना। चावल बंद किया भाई, उसका परहेज के बाद में फिर भले ही तुम ये बाबा जी जोड़ों के दर्द की दवाई देते हैं, जोड़ों के दर्द की दवाई है ना बाबा जी। हाँ बाबा जी जोड़ों के दर्द की दवाई देते हैं, और भक्तगण आते हैं बाबा जी के पास दवाई लेके जाते हैं। बाबा जी ने बोला है इसको गाय के दूध में मिला के पीना है और चावल का परहेज करना है, चावल नहीं खाना है और खटाई नहीं खाना है। बाबा जी कितने दिन में ठीक हो जाते हैं बाबा जी जोड़ों का दर्द? तो भैया जैसे मान लो कि जैसे बीमारी है वैसी, जैसे ज्यादा दिन की है तो फिर ज्यादा समय लगेगा। जी जी जी, 8-10 दिन में आराम लग जाता होगा। 16 खुराक तो पीनी पड़ेगी। अच्छा 16 खुराक पीना है, बाबा जी 16 खुराक की दवाई देते हैं और बिल्कुल जड़ से बीमारी खत्म हो जाती है। बाबा जी आपको माँ नर्मदा जी के तट पर कितने साल हो गए भक्ति तपस्या करते हुए? 50 साल के लगभग हो गए। 50 साल से मतलब माँ नर्मदा जी के तट पे ही हैं। हाँ। और 25 साल से लगभग माँ नर्मदा जी की परिक्रमा भी कर रहे हैं आप? लगभग 25 साल हो गए। और बाबा जी जहाँ पर भी ठहरते हैं बाबा जी वहाँ रामधुन बिठालते हैं। हाँ। और जहाँ एक बार रामधुन बिठालते हैं वो अभी तक चल रही है 50 सालों से कई जगह कई घाटों पे। बाबा जी आप 50 सालों से माँ नर्मदा जी के तट पर है, माँ नर्मदा जी के तट की महिमा बताएं थोड़ी सी हमारे दर्शक गणों को। वो तो महिमा तो माँ की बड़ी निराली महिमा है भाई, जो भी आदमी उसकी सिद्धा से अगर मार्ग लेगा उसके लिए तो माँ स्वयं खड़ी। उसको माँ अपने बेटे को कभी तकलीफ नहीं देगी। जी जी जी। हाँ, और गोद में लेकर के अपना स्तन का दूध पिलाएगी। जी जी जी, सबसे बड़ी बात ये है मतलब माँ नर्मदा जी के तट पे आप रहे हैं तो कोई तकलीफ नहीं है? ना ना ना, कोई तकलीफ नहीं। जब माँ की ममता से बढ़कर कौन सी ममता है? जी जी, आप समझ लो माँ की ममता से कोई ममता बड़ी नहीं है। बाबा जी जो हम संसारिक लोग हैं, संग्रस्त लोग हैं, जो हम संसार में रह रहे हैं, सांसारिक जो मोह माया से ग्रस्त हैं हम लोग, उसके लिए कोई मार्गदर्शन है, कोई शिक्षा? मार्गदर्शन ये है कि देखो काम किसी कीजे से भी मत भटकाओ, मतलब ये नहीं कि भगवान का चिंतन आप मत छोड़ो, जो प्रभु का चिंतन है वो आपकी आत्मा के अंदर होना चाहिए और गृहस्थी पालन भी करना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि भगवान को एक तरफ से भगवान को भज रहे और उधर भी तुमने अगर मान लो वो भी फिर पाप की गठिया बांध ली। भाई परिवार का भी पासन पोलन करना पड़ता, खैर वो तो करेगा ईश्वर, तो भगवान तो कर ही लिया है, लेकिन थोड़ा निमित्त तो अपना भी होना उसे। जैसे आपके घर 4 बच्चे हैं
तो आप कहते हैं कि हम खिलाते हैं हमारे बच्चों का पालन करते हैं। ये ईश्वर का खेल है, जिसका भाग का जो खाता है। तुम्हारे अगर कोई बच्ची है या बच्चा के भाग से अगर तुम खाते हो तो कोई जरूरी है? भाई ऐसा है इसका, देखो ये अपनी अपनी किस्मत लेके भगवान देता है। धूप के आड़े से धूप पलता है। ऐसा है भगवान, लेकिन गृहस्थ के हक में हम बता रहे हैं कि चिंतन भगवान के ऊपर भी रखो और अपना काम भी करता रहो तो हम सुखी रहेंगे। सुखी रहेंगे, तुमको कोई बाधा नहीं आएगी भाई। परिवार में भी सुखी रहोगे, खान पान से सुखी रहोगे, लक्ष्मी से पर्याप्त रहोगे, अच्छे कर्म करते रहें। बस चतुर्मुखी हमने शिवलिंग तो देखे हैं, लेकिन पंचमुखी शिवलिंग हम यहाँ पहली बार देख रहे हैं। मनरमा नर्मदा जी के तट पर लुजगांव में है ये, यहाँ पर बाबा जी विराजमान है, ये पंचमुखी शिवलिंग है यहाँ पे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये गणेश जी भगवान, जय हो गणेश जी महाराज की जय। भूखा पेट तो गोपाला भजन नहीं हो। नहीं मतलब मैंने पहली बार देखे हैं बाबा जी के, बाबा जी पेड़ पढ़ते हैं मैं, नहीं तो सब बाबा पेड़ पढ़वाते हैं भाई। जो महान शक्ति है उनको हमारे चरणों में लेके क्या करेंगे? हाँ माँ बहन तो महान शक्तियाँ हैं, महान शक्ति है। तुम महान शक्ति को अपने चरणों में डालोगे, अरे वो शक्ति के आगे तो ब्रह्मा विष्णु भी अधेश है भैया। आज ये क्या समझ रहे, ये घर की तुम्हारी पत्नी है, ये 5 मिनट के लिए पत्नी है, लेकिन वो घर की लक्ष्मी मानी गई है, उसको क्या समझ रहे तुम? माया सिवनी वही है जो धन है ना, जो लक्ष्मी है, तो पत्नी के भाग से, तुम्हारे भाग से नहीं है। तुम तो ढपोल संख है, हंस रहे यार ये तो है? भाई कोई भी पत्नी को आसानी से समझाओ, उनको अगर गुस्से में मार ठोक करोगे तो वे उल्टा तुमको और दंड देगी। तो हमारे लिए तो भैया संसार माँ बहन है हमारी, तो संसार को जन्म देने वाली तो नारी है। हमको भैया सब लोग कहते हैं ये बाबा जी महिलाओं का कन्याओं का पग लगता है, चरण लेते हैं, हमको उसी में आनंद है, वही हमारा मार्ग आगे बढ़ाने के लिए। कन्याओं का झूठा भोजन खाना, कन्याओं का झूठा भोजन खाना बाबा जी, उसकी माँ नहीं खा सकती है कन्याओं का झूठा भोजन, लेकिन हमारे पास में क्या, कन्या की अगर नाक भी बेती होगी वो हमारे लिए अमृत है, उसमें ही तो मां नर्मदा खुश होती है। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम। ग्रस्त लोग हैं, पर सांसारिक लोग हैं जो, वो काफी परेशान हैं। परेशान क्या है, परेशान इससे है कि वो उधर दौड़ रहे हैं, भगवान की तरफ नहीं दौड़ रहे हैं, मतलब भगवान के ऊपर बड़ा नामे दौड़ रहे हैं। भाई प्रभु का नाम अगर ग्रस्त के पास में रहेगा तो उनको कभी आपत्ति नहीं आएगी। मतलब ग्रस्त को जो है भगवान का भजन करते करते रहना चाहिए, अच्छे काम करते रहना चाहिए। भाई देखो कि जैसे आप काम कर रहे, चाय बना रहे, प्रसादी सिद्ध कर रहे हैं, तो आपको भगवान के नाम लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है? काम करोगे हाथ से, चलोगे पांव से, लेकिन आत्मा के अंदर प्रभु का रटन तो होना चाहिए, वो कभी नहीं गिरने देगा प्रभु तुमको। इसलिए दुखी है इंसान, हाँ मनुष्य नहीं। अच्छा बाबा जी, हम ये भी देख रहे हैं भौतिक सुख सुविधाएं बहुत ज्यादा हैं, गाड़ी है, नौकर चाकर हैं, फिर भी परेशान है आदमी। भाई देखो भगवान खेल खिला रहा है, उसकी माया को कौन पकड़ सकता है? कोई संत पकड़े ना कोई वेद पकड़ सकता, कोई नहीं पकड़ सकता है। किनारे तो कमंडल से कमंडल जुड़े हुए मां नर्मदा जी के किनारे। हाँ अच्छा, आप कुछ तो हमें दिख जाते हैं बाबा जी, कुछ नहीं दिखते हैं, अदृश्य रूप में हैं। कमंडल
हम तुम्हारे अनामत कोई भी चीज पड़ी रहेगी उसमें हाथ नहीं लगाएंगे, और हाथ लगा दिया दोषी हो गए हम लोग। भगवान हमारी वहीं से हरी झंडी लाल लाल निशान बता देंगे, जय पतली गली से निकल जा। तुम तो दे के दान एक तरफ हो जाते, हमारा क्या हल होगा फिर? हमको तुमसे पहले नरक में जाना पड़ेगा भाई। हर इंसान यही सोचता है कि यार अपन ने कुछ दंड किया है या कोई पाप किया है तो अपन दान कर दें तो इससे अपन को, लेकिन नहीं, उसको भी संत बहुत हिसाब से मार्ग लेगा। भैया साधु का मतलब ये है बाबा जी का कि आप गृहस्थ है और आपने आपके माल कोई भी आपके खेती में कोई भी चीजें वस्तु है, समझ गए? आप कह दोगे बाबा जी अपने उसमें फलानी चीजें आप तोड़ लोगे, हम तोड़ नहीं सकते उसको। हम उसको अगर तोड़ लेंगे, आपने गनी ऑर्डर दे दिया, लेकिन महान पाप होगा हमको। आपके हाथ से आप अगर तोड़ के दोगा वो हमको बहुत पूरण होगा, वो महापूरण होगा। हमारे हाथ से तोड़ेंगे वो महापूरण नहीं होगा भाई। संत क्या होता है, भाव के भूखे होते हैं। भाव अगर मिल गया संत को तो उस भक्त के लिए संत बहुत आनंद हो जाएगा। बाबा के नाम से, बाबा जी 120 साल के हैं और बाबा जी को भोले बाबा के नाम से जाना जाता है, और 50 साल से लगभग 50 साल से माँ नर्मदा जी के तट पर हैं, और 25 साल लगभग बाबा जी को माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करते हुए हो गए हैं। आज हमें इनके दर्शन हुए, हम सब धन्य हुए, और हमारे वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को और माँ नर्मदा जी के जो भक्तगण हैं उनको भी दर्शन हुए, वो सब धन्य हुए। और हमारी यही कोशिश रहती है कि माँ नर्मदा जी के साथ साथ माँ नर्मदा जी के तट पर विराजमान सिद्ध संतों त्यागी तपस्वियों के भी दर्शन हम वीडियो के माध्यम से कराते रहें, और हमें दर्शन होते ही रहते हैं माँ नर्मदा जी की कृपा से। आज हमें दर्शन हुए बाबा जी, आपको दंडवत प्रणाम बाबा जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर।